बारबाडोस में भारत फिर से बनेगा वर्ल्ड चैंपियन। वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में मिली हार के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सभी सीनियर खिलाड़ियों ने जून में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2024 में खेलने की इच्छा जाहिर की है, जिसके चलते BCCI ने एक इवेंट में ऐलान किया कि रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने वनडे वर्ल्ड कप 2023 में अच्छा प्रदर्शन किया था और हमने 10 मैच लगातार जीते और अब 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी रोहित शर्मा की कप्तानी में खेला जाएगा। इस बयान के बाद सभी लोगों ने जयशाह का बहुत खूबी से स्वागत किया और सभी लोगों ने तालियां बजाई। वहीं रोहित शर्मा की कप्तानी में ही खेलना यह बहुत ही अच्छा होगा। वहीं इस साल 2024 में होने वाले इस T20 वर्ल्ड कप में कुछ नए चेहरों को भी हमें देखने को मिलेगा, जिससे एक सबसे बड़ा चेहरा है रिंकू सिंह का। रिंकू सिंह इस साल 2024 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में काफी अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। वहीं विराट कोहली को भी हमें खेलता हुआ देखना पसंद है और हम चाहेंगे कि विराट कोहली इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में दिखाई देंगे और रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। वैसे ये देखना जरूरी होगा कि क्या हार्दिक पांड्या अपनी रिकवरी कर पाते हैं या नहीं। साथ ही T20 वर्ल्ड कप में शिवम दुबे बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। शिवम दुबे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में एक कमबैक के तौर पर लिए गए थे और उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने हार्दिक पांड्या की कमी नहीं खलने दी। अब देखना होगा कि हार्दिक पांड्या के फिट होने के बाद क्या BCCI किसकी तरफ देखती है, क्या हार्दिक पांड्या की तरफ जाएगी या शिवम दुबे की तरफ। वैसे आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाय द वे थैंक्स फॉर वॉचिंग।